लोगों का एक हमेशा कंप्लेन ये होता है कि उनको डाइट में चपाती नहीं मिली है, उनको डाइट में चावल नहीं मिला है। तो आज उसी बेस पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है हमारे किसी भी मील में। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जो आप थाली आपके सामने है, जो प्लेट आपके सामने है, उसमें आपको कार्ब मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए एंड मिनरल्स मिलना चाहिए। ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है? अब आप वो साइड रख देना कि आपने रोटी नहीं खाई 4 दिनों से तो आप में एनर्जी लॉस हो जाएगा, आपने चावल नहीं खाया तो आप में एनर्जी लॉस होगा। नो, नेवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डाइट ऐसी लेनी है, आपके प्लेट में वो चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स समान मात्रा में हो। अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो, अगर वो आलू से बना है, अगर वो चावल से बना है, अगर वो उसमें आटा यूज़ हुआ है, तो एब्सोल्युटली आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, 50% आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। और रही बात प्रोटीन की, अगर आप उसमें कुछ भी वेजिटेबल यूज़ करते हो, जैसे कुछ वेजीज हो गया, जैसे आपने इसमें टमाटर यूज़ कर लिया, आपने उसमें प्याज यूज़ कर लिया, आपने उसमें गाजर यूज़ कर लिया, आपने मूली यूज़ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी बताऊँ, उसमें आपने पत्ता गोभी ऐड कर लिया, उसमें आपने शिमला मिर्च ऐड कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब्जियाँ हैं, तो इससे आपको विटामिन मिल जाएगा। जो भी हरी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होता है, उससे आपको विटामिन भी मिल रहा है। और रही बात प्रोटीन की, अगर आप एग एग से बनी कोई चीज़ ले रहे हो, एग में प्रोटीन है। अगर आप मिल्क से बना हुआ चाय या कुछ ऐसा लेते हो, उसमें प्रोटीन है। और आप ये जो आपके प्लेट में डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, उसमें आपको देखना है कि प्रोटीन किस चीज़ में है। तो प्रोटीन ज़्यादातर आपको ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। और रही बात फैट की, तो क्या ऑयल तो यूज़ हुआ होगा उसको पकाने के लिए? बिल्कुल यूज़ हुआ होगा। अगर आपकी प्लेट में ऐसी कोई चीज़ है जिसमें ऑयल यूज़ किया गया है उसको पकाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको फैट भी मिल रहा है उस डाइट से, ठीक है? मिनरल्स मतलब उसमें पानी यूज़ किया ही गया है उस खाने को बनाने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए, तो आपने उसमें आपको मिनरल मिल रहा है। आप पानी पी भी रहे हो, जनरली आप पानी पीते भी हो उसको खाने के बाद, तो भी आपको मिनरल्स मिल रहा है। विटामिन का मैंने बता दिया, अगर उसमें वेजिटेबल यूज़ हुआ है तो आपको विटामिन भी मिल रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कुछ भी प्लेट में लेते हो, जैसे आप एक प्लेट पास्ता ले रहे हो, आप एक प्लेट चाउमीन ले रहे हो, आप एक प्लेट चाट ले रहे हो, आप कुछ भी ऐसी चीज़ ले रहे हो, तो उसमें आपको ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन मिलना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि आप रोटी नहीं खाए तो आपको ये कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, आप चावल नहीं खाए तो, ऐसा नहीं है। आपका पेट भर रहा है या जो चीज़ें उसको बनाने के लिए यूज़ हुई है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स हैं, नो इशू। वो डाइट आपके लिए हेल्दी है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आप अपने पूरे महीने में आप अगर 25 दिन अगर आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो, और अगर 5 दिन आप कुछ इधर उधर की चीज़ें खा लिए, जैसे लंच में आपने डोसा खा लिया, छोला भटूरा खा लिया, लंच में आपने एक प्लेट चाउमीन खा लिया, तो क्या वो आपके लिए हानिकारक है? हानिकारक नहीं है, क्योंकि आपने 25 दिन तो खाया ना, 25 दिन तो खाए ना दाल चावल सब्जी रोटी। अगर वो 5 दिन आपको चपाती नहीं मिलती है, राइस नहीं मिलता है, तो ये इतना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए।